करने के लिए हम एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो दुनिया के शोरगुल से दूर हो, जहां पहुंचकर हम सुकून मिले। लेकिन हम भटकते रहते हैं, शांति कहीं नहीं मिलती। पहाड़ों के बीच नैनीताल से करीब एक ऐसी जगह है जो आपके जीवन के सारे विकारों को कैंची की तरह काट देती है। जब महाराज जी पहले आई यहाँ, पहले दिन आई तो तब जानती थी, पहले बार दिखे थे हम लोग। माता जी थी, महाराज जी थे, छोटी माता जी थी। और तो यहाँ पर आए तो मेरे ससुर और मेरे पति खड़े हो गए थे। जहाँ पर गेट है वहाँ पर महाराज जी खड़े हुए, तो जब उन्हें एकदम देखा तो महाराज जी के पास चले गए। मेरे ससुर भी हो गए, उन्होंने कहा मुझे तो नदी के पास जाना है। तो हमारे खेत थे यहाँ सब, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो मेरे ससुर और मेरे पति दो चार जने और लोग, तो उनको हाथ पकड़ कर नदी के पास मुश्किल से ले गए। बिल्कुल झाड़ियाँ थी, वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं था। ऊपर जो पेड़ है वो पत्थर है जहाँ पर राम राम लिखा है, तो महाराज जी जाके सीधा वहीं पे बैठे बैठे। तो मेरे ससुर से बोले मुझे तो यहाँ मंदिर बनाना है। मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के संस्थापक जब ये सोच रहे थे कि वो फेसबुक बेच दें, ये दुविधा उन्हें बेचैन कर रही थी। असफलताओं ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तब वो अपने दोस्त एप्पल संस्थापक स्टीव जॉब्स के पास पहुंच गए। स्टीव ने कहा कि जब मैं जीवन में संघर्ष कर रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं भारत गया। भारत इसलिए कि अध्यात्म का सहारा ले सकूं, एक नई राह ढूंढ सकूं। At the ashram, there were lots of young people who came from the West. Just after Maharishi died, a 19-year-old kid came and was very disappointed because he arrived after our guru had died. And he shaved his head and he was walking barefoot, going through the Himalayas, like all the other young Westerners of the time who came at the time of Dhammadhammitajayagam, you know. And this young kid, whose name was Steve Jobs, he got the idea for a computer that could think in color while he was living in Kenshi. And people thought he was kind of a little bit nutty. And every once in a while, he'd come down to Delhi, maybe looking for a good hot meal. And I remember once taking him to the WHO canteen at Indraprastha Estate and buying him lunch. And when Girij and I went back to India, back to the US from India, Steve had started Apple Computer, and we wanted to start another organization to do something like smallpox again. And we decided to form something called the SABA Foundation, and to work on blindness, because Nicole Grasse, our former boss, became very interested in blindness. And Steve gave us the money to start the SABA Foundation, and gave us computers and software and help in establishing blindness programs, first in Nepal, now in India, and all over the world. Steve Jobs, एक उम्मीद एक आस्था के साथ भारत पहुंचे, ये सोचे बिना कि आगे क्या होगा। हिल स्टेशन नैनीताल से 20 किलोमीटर पहले एक आश्रम है जिसे कैंची धाम कहते हैं। स्टीव वहां पहुंचे। ये आश्रम है बाबा नीब करौली का। सरल, सीधे।